हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्शन विद निशा। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू मेक एगलेस वॉफल एट होम। आप पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके बहुत ही इजीली घर में वॉफल्स बना सकते हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्ट। पार्ले जी बिस्किट वॉफल बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 3 पैकेट पार्ले जी बिस्किट। इसको आपको ग्राइंडिंग जार में डालकर फाइन पाउडर बना लेना है। इतनी क्वांटिटी से अप्रोक्स 2 वॉफल्स बन जाएंगे। अगर आपको कम वॉफल बनाने हैं तो आप रेसिपी हाफ ले सकते हैं। अब इसी ग्राइंडिंग जार में मैंने 1 कप शुगर को ग्राइंड करके शुगर पाउडर बना लिया है। शुगर पाउडर और बिस्किट का पाउडर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। नाउ एड 3 स्पून ऑयल। मैं घर के स्पून से ही मेजरमेंट कर रही हूँ। ऑयल आपको 3 स्पून ही डालना है क्योंकि बिस्किट में ऑलरेडी ऑयल रहता है। अब यहाँ पे दूध को आपको लुकवार्म कर लेना है, गुनगुना कर लेना है। ज़्यादा गर्म दूध नहीं होना चाहिए, ना ही ठंडा होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करके आप मिक्स करते जाएं। बैटर आपको फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बनाना है। वॉफल के बैटर्स जैसे मैंने दिखाए थे, लिक्विडी बनाएं तभी आपका वॉफल ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। अगर आप थिक बैटर बनाएंगे तो वॉफल उतना क्रिस्पी नहीं बनेगा। आपको यहाँ ऐड करना है 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। उसके ऊपर भी आपको थोड़ा मिल्क डाल देना है। मिल्क ऊपर डालने से बहुत अच्छी फ्रॉथ बनती है। इस फ्रॉथ को आप विस्कर की हेल्प से बैटर में मिक्स कर दें। यहाँ ऐड करना है 1/4 टीस्पून वेनिला एसेंस। बैटर अभी भी थिक लग रहा है, यहाँ मैं मिल्क और ऐड करूँगी। टोटल 2 कप मिल्क यूज़ हुआ है। आपको बैटर लिक्विड ही बनाना है। लास्ट में 1/2 कप मिल्क और ऐड कर सकते हैं। टोटल 2.5 कप मिल्क आप ऐड करें। अब वॉफल मशीन में अच्छे से आपको ऑयल लगा देना है। इसके बाद ये देखिए, बैटर इतना लिक्विड करके मैंने वॉफल मशीन में डाल दिया है। अब वॉफल कैसे बेक करना है इसको डिटेल में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। आपको जो टेम्परेचर है वो मिनिमम और मैक्सिमम के सेंटर में रखना है। इसको ये 20 मिनट में बेक तो हो जाता है, लेकिन अगर आपको क्रिस्पी वॉफल चाहिए तो अप्रॉक्स 35-40 मिनट्स बेक करें। 35-40 मिनट्स के बाद ये अच्छे से बेक हो चुका है। इसको निकालने के लिए आपको एक सिलिकॉन का स्पैचुला लेना है। पहले आप साइड छुड़ा लें, इसके बाद सेंटर छुड़ा लें और इसको मैं अब एक प्लेट में निकाल लूँगी। जैसे आपका वॉफल बेक होता है, थोड़ा सा आपको क्रिस्पी कम लगता है, इसको कूलिंग रैक पे 10 मिनट पैन के नीचे ठंडा करना है। जैसे ही 10 मिनट ठंडा होगा, क्रिस्पी भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब कूलिंग रैक पे ठंडा करने के बाद इसको आपको 4 पीसेस में कट करना है। वॉफल्स के ऊपर आपको टॉपिंग लगानी है। तो 3 टाइप की टॉपिंग मैंने ऑलरेडी आपको सिखाई है। बटर स्कॉच वॉफल में मिल्क चॉकलेट टॉपिंग, डार्क चॉकलेट टॉपिंग एंड वाइट चॉकलेट टॉपिंग। तीनों टॉपिंग मैं इस वॉफल में स्प्रेड कर दूंगी। टॉपिंग स्प्रेड करने के बाद ऊपर से आप कोई भी चॉकलेट या चोको चिप्स डाल सकते हैं। यहाँ मैंने किटकैट चॉकलेट को क्रश करके ऊपर से डाल दिया है। इसके ऊपर हर्शीज का चॉकलेट सिरप एंड सम बनाना पीसेस यहाँ मैं रख दूंगी। सेकेंड वॉफल में मिल्क चॉकलेट टॉपिंग लगा के फर्स्ट वॉफल को कवर कर देना है। फॉर डेकोरेशन आई एम यूजिंग वाइट चॉकलेट टॉपिंग एंड ब्लैक चॉकलेट टॉपिंग। तो फर्स्ट वॉफल को मैंने कवर किया है वाइट चॉकलेट टॉपिंग को से, एंड सेकेंड वॉफल को मैं कवर कर रही हूँ डार्क चॉकलेट टॉपिंग। अब लास्ट में डेकोरेशन के लिए यहाँ पे आप स्प्रिंकल्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने सेंटर में जो फिलिंग डाली है वही फिलिंग बाहर भी डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ। दैट इज़ किटकैट चॉकलेट एंड बनाना पीसेस। ऊपर से आप थोड़ी सी शुगर पाउडर स्प्रिंकल कर दें। नाउ टेस्टी एंड डिलीशियस वॉफल्स आर रेडी टू सर्व। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, आल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। थैंक यू।